हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी मैं हूँ नौकुचिया ताल में। तो अभी यहाँ पर था अपना स्टे रात का इस होटल में। यह है कंट्री साइड रिजॉर्ट के नाम से, द पियर ऑर्किड। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ की लोकल साइट सीइंग के लिए, और कुछ प्रॉपर्टी विजिट करनी है प्रमोशन के लिए हमारे को। तो उसके बाद जाएंगे हम इवनिंग तक नैनीताल पहुँचेंगे। आज हमारा स्टे नैनीताल में होने वाला है। तो अभी सारी गाड़ी अपनी आ चुकी है, बस में अपना लगेज रख चुके हैं हम, बस जा रही है अपनी डायरेक्ट होटल में जहाँ पर हमारा स्टे। बाकी अब हम लोग जाएंगे आज इनोवा की गाड़ी से, क्योंकि बस जो है नैनीताल के एरिया में छोटे रोड होते हैं तो वहाँ पर अलाउड नहीं रहती है। तो अपनी गाड़ी से छोटे साइट सीइंग वगैरह जो भी होंगे वो सारे हम इनोवा वगैरह से एक्सप्लोर करेंगे पूरा। तो अभी निकलते हैं और चलते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। नीचे आ चुके हैं नौकुचिया ताल से, भीमताल आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको भीमताल का व्यू एग्जैक्टली कैसा है। दिखाता हूँ आपको भीमताल, गाड़ी से उतर चुका हूँ और अभी भीमताल दिखाते हैं कैसा दिखता है भीमताल का ताल। ऐसा है कुछ नजारा, धूप निकली हुई है एकदम मस्त। अच्छा, इसमें बोटिंग भी होती है? हाँ, बोटिंग भी। ये छोटी है पहले ना, जो अपनी नैनी वाली है ये सबसे बड़ी है। ये उधर फैली हुई है क्या? हाँ, यस। ये भीमताल के लिए क्या है? वो आपने पेडल देखी? थोड़ा सा यहाँ पे 15-20 मिनट का ब्रेक लिया हमने, अभी थोड़ा कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराए। बाकी वहाँ पे बत्तख देख सकते हो, उन सबको खाना खिलाया थोड़ा सा। वैसे खाना खिलाने के लिए बंद लिया था मैंने, कि मैंने कहा मछलियों को खिलाऊंगा, पर मछलियों का मौका ही नहीं मिला ऊपर आने का, वो बत्तखों ने सब खा लिया, भूखे थे बेचारे। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ियाँ बैक हो रही हैं अपनी, अभी आगे के लिए निकल रहे हैं हम लोग। दिखाते हैं आपको फिर आगे कहाँ पे जाते हैं अभी। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं नैनीताल से होते हुए पंगोट। पंगोट ये एक जगह है यहाँ पर, जो कि नैनीताल से अप्रोक्सीमेटली 16-17 किलोमीटर आगे है, पर ये हाइट काफ़ी है इसकी और ऐसा कुछ नज़ारा है। ये प्रॉपर्टी है रॉयल क्लिफ के नाम से, जहाँ पर हमें विजिट करना है आज। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आज। यार रास्ता बड़ा डेंजर है भाई इस प्रॉपर्टी का, पर बहुत ही पतला रास्ता है, नैरो रोड है एकदम। बट ग्रीनरी चारों तरफ देख सकते हो, और हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है। अभी नीचे नैनीताल आ चुका हूँ मैं, और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 बजे, हम यहाँ पर आ चुके थे, अभी रात हो चुकी है। ये देख सकते हो सामने लेक है इधर नैनीताल की, और ये माल रोड पे घूम रहे हैं अभी हम वॉक करते हुए। अभी 7:45 हो चुके हैं। अभी होटल अपना यहाँ से है अराउंड 15-16 किलोमीटर पीछे। तो अभी माल रोड पर थोड़ा घूमने के लिए आए थे सब लोग, थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे स्नैक्स वगैरह, उसके बाद चलेंगे होटल अपने। बाकी जाके होटल में जाके चेक इन करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे यार। डिनर भी करना है होटल में अपना। तो माल रोड पर ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, थोड़ा हल्का ही है, ऑफ सीज़न टाइप का चल रहा है कुछ अभी, क्योंकि काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह तो बंद ही पड़े हैं अभी फिलहाल। तो अभी चलते हैं बस अपनी गाड़ी की तरफ, उसके बाद चलेंगे होटल अपने। सो भाई, अभी होटल में पहुँच चुका हूँ, चेक इन कर लिया है। तो ऐसा है कुछ अपना आज का स्टे, एक ये पूरा हॉल है, इधर एक बेडरूम है, उसमें वॉशरूम अटैच्ड है, बाकी एक बेडरूम इधर है। कम इन। ओके, थोड़ा सा काम पेंडिंग है, काम पेंडिंग निपटाते हैं थोड़ा। यार नहीं निकालो, बहुत ठंड हो रही है भाई, उसके बाद करेंगे डिनर। तो भाई अभी डिनर वगैरह करके आ चुका हूँ अपने रूम में। रूम से बाहर ये है कुछ बालकनी, यहाँ की सामने यहाँ पे माउंटेन्स है, कैमरे में विजिबल नहीं होगा इतना, और रात का टाइम हो रहा है अभी 12:45 एग्जैक्टली। बाकी इधर अपना अभी बॉनफायर हुआ था, अभी चल रहा है देख सकते हो, वहाँ पे डीजे लगा हुआ है, यहाँ पे डांस वांस करा हम सब ने अभी। तो अभी काफ़ी लोगों ने एंजॉय करा बढ़िया से। तो अभी अब लोग सब लोग चले गए अपने अपने रूम में सोने के लिए, अभी हम भी सोने की तैयारी करते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, बाकी मिलते हैं आपसे आने वाले ब्लॉग में। तो कल हम निकलेंगे मसूरी के लिए, तो बाकी की बातें कल करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।